यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तरीय मेगा रोजगार और ऋण मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज विकास सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए ये यूपी तय करता है, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये प्रदेश तय करता है, लेकिन आप इससे पहले के द्वेष और सपा के कारनामों से तो परिचित हैं। गुंडागर्दी अराजकता इनकी पहचान थी, बेटियों की सुरक्षा पर खतरा करना इनकी पहचान थी, इनके समय में क्या क्या होता था ये सब जानते हैं। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है, आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है, कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज यह उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे, बहनों भाइयों में भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है, खन्ना जी ने कहा हां यही लाल इमली है। बहन और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी क्यों बंद हो गई, एक कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है, जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसा मऊ को कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है।